स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे, जैसे कि आपने अभी देखा पापा चला गया है और आरो भी जा चुकी है। वैसे काफ़ी टाइम हो गया आजकल ना, मैं ब्लॉग बहुत लेट लेट करके स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा सा अपसेट डाउन चल रहा है थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लग रहा है मुझे, इसीलिए ब्लॉग भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही चल रहा है अभी वाला। तो सुबह मैंने वही सेम चीज़ें, पराठा सालाड, आज मैंने काला चना और आलू बनाए, लौकी बनाई हूँ ड्राई फिश डाल के, वो छोटे छोटे प्रॉन्स वाले, और मैंने अचार बनाया, दाल बनाई लौकी डाल के आलू के लिए, और क्या बनाई और कुछ नहीं बनाई, हाँ आलू के लिए सूजी बनाई, पोहा बनाई, हाँ हाँ पोहा बनाई हूँ ब्रेकफास्ट पे, अब पापा खा के गए, मैं खाई हूँ, कॉर्न बनाई हूँ, यस कॉर्न भी बनाई हूँ, बनाई तो बहुत कुछ बनाया, सुबह सुबह वही सारा चीज़ें करके बैठी हूँ। अभी बाकी जो काम है उतना नहीं है, आज थोड़ा सा लाइट है, लेकिन आज ज़्यादा, कल क्या व्लॉगिंग किया था उससे भी कम करूँगी आज। सबसे पहले ये डोर को बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो थोड़ा बहुत समेटी हूँ यहाँ पे, सब मैं कॉर्न रखने के लिए रखी हूँ, अभी यहाँ पे बैठ के मैं फ़ोन चलाऊँगी, आज मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, कल भी सेम ऐसे ही था। आजकल क्या हो रहा है, तबीयत खराब होने के कारण पापा रात को आता है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, आरू को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जा रही हूँ, दिन को भी सेम हाल है, ये देखो फेस पे, जब मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना ये सारा चीजें आ जाता है पूरा भर भर के हर जगह, तो कुछ ना कुछ चल रहा है, हॉर्मोनल चेंजेस ये सारा चीजें होते रहता है, तो ये सब तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, होता है हर टाइम, तो वही मतलब अच्छा नहीं लगता है, तबीयत थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है। और हाँ बहुत जल्दी मैं आप लोग को कुछ बताऊंगी, मैं बहुत जल्दी, और वन वीक वेट करना पड़ेगा आप लोग को, उसके बाद मैं शेयर करूंगी कि क्या करने वाले हैं हम लोग, आएगा ब्लॉग में धीरे धीरे आएगा। तो अभी तो करूंगी तो कुछ नहीं, बस ऐसे बैठूंगी मैं, कौन खाऊंगी, वीडियोस देखूंगी थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा वो वीडियोस वगैरह थोड़ा सा देखना है, मुझे कुछ मेल आया है वही चेक करना है, और थोड़ा सा मेरे को शॉपिंग मतलब आरू के लिए एक गर्मी वाला कपड़ा देखना है, वो ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैं, कल भी सोची थी कि रात को पहले आरू को सुला देती हूँ फिर मैं देख लूँगी, लेकिन आरू रात को जो है यहाँ पे मेरी यहाँ पे बाजू पे रख के सर रख के वो सो जाती है, तो वो भी वहीं सो गई, मैं भी ऐसे जब पापा ने डोरबेल बजाया अरे आरू सो गई कब सो गई, ऐसा हो रहा था मेरा, सवाल हो रहा था, वही चल रहा है बस, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रेस्ट ले लेती हूँ कि आगे जो ब्लॉगिंग है जो एनर्जी के साथ जो कमबैक कर सकूँ, तो थोड़ा बहुत करने का कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग, मैं गैप रखना नहीं चाहती हूँ, तो थोड़ा बहुत उस गैप को मेंटेन रखने के लिए इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ। चलिए तो मैं आरू को पिक कर लिया हूँ, आज ये लेके आई हूँ क्योंकि इतना धूप लगता है बीच बीच में कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, तो दोनों के लिए लेके आई क्योंकि मैं लगा के आने से उसको भी चाहिए होता है। Look, it's so beautiful. हाँ जब मैं निकली थी तब धूप नहीं था, अब आरू के स्कूल से निकले हैं ऐसा धूप लग गया, कल भी सेम है वैसे ही कुछ था थोड़ा बहुत, ये देखो फिर से अंधेरा हो गया, और परसों को भी वैसे ही था, परसों तो आने का टाइम पे भी वैसे ही था, जाने का टाइम पे भी वैसे ही था, क्योंकि मैंने ना छतरी लिया था ना ग्लास लिया था, आगे आगे जा रही है उसका दोस्त, आगे आगे हे ऐसे डोंट रन, नो रनिंग इट्स वेरी बैड। हाँ चलो देखो क्लाउड इतना सुंदर लग रहा है, देखो स्काई स्काई ब्लू, इस साइड देखो इधर भी बड़ा सुंदर लग रहा है।
ये देखो गणेश पूजा का, इसको देखो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर। चलो हाँ ओके चलो। घर पहुंच चुके हैं, आते समय ये लेके आए, खरीदने गए थे ये, लेके आए ये भी बिना मतलब में 100 रुपीज का बोला, बोल के 80 रुपीज में लेके आए। 100 ये आई कैन बाय नाउ। इतना फालतू है ना, बस लाइट जलता है। हम लोग को चाहिए था ये, मेरे को कल बोली कि ये चाहिए क्योंकि उसका वो काम नहीं कर रहे हैं। उसका जब बर्थडे हुआ था तब खरीदा था, उसका वो सारा चलना बंद हो गया, तो मैंने सोचा चलो खरीद देती हूँ, और कैश लेके गई थी वहाँ पे जाके, वो भी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा है। ये रहा क्या खरीदने गए थे क्या, ये देखो इसका लंच बॉक्स। ये सुबह इतना मेहनत से बनाती हूँ, सारा चीज़ें डाल के देती हूँ, देर से नहीं खाई नहीं तो क्या खाए? सूजी। सूजी भी थोड़ा सा ऐसे ही मुंह में टच करा के ले गया, पोहा तो खाई भी नहीं। कौन खाई कि नहीं खाई? नहीं नहीं खाया, नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? और बोलते हैं कि हर रोज प्रिंसिपल मैम से मिल के आती है, तो अभी उसका वो सेम रूटीन सेम होने वाला है, उसका होमवर्क कराना है। अभी यहीं पे वही लेके आई है लाइट, उसी से खेल लिया। और यहाँ पे मैं कॉर्न छोड़ के गई थी क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी। गोल गोल चक्कर मार रही है, होमवर्क अभी तक किया नहीं है, तो मैं अभी कपड़ा सुखाऊंगी। मैंने यहाँ पे कपड़ा स्टैंड पे लगा दिया क्योंकि ऐसा लग रहा है बारिश आएगा, अगर हम लोग नैप लेने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा मेरे को, क्योंकि आजकल दिन का नैप भी बहुत डेडली वाला सो रही हूँ मैं, कुछ ऐसा चल रहा है। तो मेरा तो काम हो गया है, यहाँ पे मैंने किचन पे मैंने बर्तन भी धो दिया हूँ, और यहाँ पे बैठ के मेरा बेटी पढ़ाई कर रही है। वाओ पानी पी लो। एल ई यस दैट्स राइट वन। पानी पी लो। ओके गाइस, तो हम लोग नैप लेके उठ चुके हैं, वैसे ना बहुत हो गया, 3 आवर्स जैसा हो गया है, मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जो तबीयत है मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ना मेरे को स्टमक पेन वगैरह बहुत सारे चीज़ें पेन हो रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो सॉरी आज बिल्कुल ही नहीं हो पाया, सब आज का सबसे ज़्यादा ख़राब वाला हुआ है। कल देखती हूँ, कल अगर कर पाती हूँ तो ब्लॉगिंग करूँगी, अगर नहीं तो नहीं करूँगी कल ब्लॉगिंग। तो शायद इस वीडियो को यहीं पे एंड करना ही बेहतर रहेगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो
कल फिर मिलते हैं। अगर फिर भी बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। लुक एट मी। बाय।